अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज आपके लिए सरप्राइज़ है। तो आज हमारे लिए कॉलोनी में एक और चीज़ आने वाली है। कॉलोनी में तो नहीं, कॉलोनी के बराबर में हम एक और चीज़ लेके आए हैं और वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फिंचेस की तरह ही होती है। तो मैंने आपको जावा की वीडियो में आपको दिखाया तो था जो केज मैंने आपको कॉलोनी के बराबर में जो फिट हुआ हुआ है, तो उसके अंदर आज आपको दिखाएंगे हम क्या चीज़ लेके आए हैं। तो माशाल्लाह से उन्होंने प्रोग्रेस भी कर दी है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो आज आपको उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाएंगे और आपको पेयर भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ हम लेके आए थे। तो वो हम लेके आए थे, उसको लाए हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीन हफ्ते हो गए हैं। तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, पेपर चल रहे थे मेरे। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा और उसकी प्रोग्रेस भी दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है वो। बेंगलाइज फिंचेस हम लेके आए थे अपने कॉलोनी के लिए। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या उसने ब्रीड कर रखी है या नहीं। तो मैंने तो देख चुका हूँ, तो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो चले हैं बगैर देर किए हुए बेंगलाइज फिंचेस के पास चलते हैं और आपको दिखाता हूँ और आप बताइएगा कि कैसी लगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चले हैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह, ये हमारी बेंगलाइज फिंचेस है, फ़ोन बेंगलाइज जो कहलाती हैं। माशाल्लाह से ये हमारी फ़ोन बेंगलाइज फिंचेस है। एक हमारी बेंगलाइज मटकी के अंदर गई हुई है, जो अभी आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगी। मैं आपको अंदर जाके अभी मोबाइल अंदर लेके जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रोग्रेस कर रखी है। यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आ रही। तो अभी आपको मैं इसका पहले मेल बेंगलाइज दिखा देता हूँ। ये देखें, यह इसका मेल बेंगलाइज है जो यहाँ बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारी लगी थी हमें लालू खेत मार्केट में, हमने वहीं से परचेज़ कर ली थी जब हम फिंचेस सेल करने गए थे। तो यहाँ से मुझे बहुत ही पसंद आई थी तो मैंने पापा को बोला ये भी ले लें। तो माशाल्लाह से इसने प्रोग्रेस भी कर दी है हमारे पास, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी और अब हमारे पास प्रोग्रेस करी है तो अब और अच्छी लगने लग गई है। तो चले हैं आपको मैं अंदर पहले मोबाइल से आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि क्या प्रोग्रेस करी हुई है इन्होंने। तो अभी बस चले इनका गेट खोलते हैं और अभी ये बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से उड़ती है। तो इनको देख के ना प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये दोनों ही मटकी के अंदर चले गए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पे आपको बच्चे देखने को नज़र आ रहे होंगे। मैंने तो जब देखे थे तो बच्चे ही नहीं थे, सिर्फ एग थे। तो अभी माशाल्लाह से देखें बच्चे भी निकल गए, ये फोकस नहीं हो रहा है। अब देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह से हमारी बेंगलाइज फिंचेस के बच्चे निकल चुके हैं। ये देखें, एक दो तीन चार बच्चे देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह से, और दो अंडे पड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह से इन्होंने छः अंडे दिए थे जिसमें से अभी चार निकाल दिए इन्होंने, दो अंडे इनके अभी भी पड़े हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या इसमें से भी निकलते हैं या नहीं। चार बच्चे भी निकल गए हैं तो ये माशाल्लाह से मेरे लिए बहुत है। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ब्रीड करी है मेरे पास और फर्स्ट टाइम मैंने बेंगलाइज रखी है। तो चले व्यूअर्स, ये थी हमारी बेंगलाइज की प्रोग्रेस और आपको मैं पेयर भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। भले मोबाइल बाहर निकाल लेते हैं, उड़ नहीं जाए क्योंकि इसका गेट बड़ा है। ये देखें दोस्तों, ये फ़ौरन ही अंदर जाने की कर लिए, ये बोल लिए कि क्या कर दिया मेरे घर के साथ। ये देखें, ये फ़ौरन ही इधर आ गई है, बोल लिए देखूँ मैं क्या करा है इन्होंने मेरे घर के अंदर। अब ये फ़ौरन अंदर चली जाएगी, ये देखें अंदर जाने के लिए रेडी है। अब ये फ़ौरन अंदर गई, वो देखें भी बस अंदर चले गए और ये इसका मेल फिंच यहाँ बैठा हुआ है। तो पहले व्यूअर्स, हमने इनके लिए ये बॉक्स लगाया था, इन्होंने पहले बॉक्स में नेस्टिंग करी थी लेकिन बॉक्स के बाद इन्होंने ना अपना घर ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे हम लोग देखते रहते थे ना, तो यहाँ से उन्होंने बोला यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो इन्होंने यहीं से नेस्टिंग उठाई और ये मटकी के अंदर ले गए। तो मटकी में इन्होंने बहुत ही अच्छी नेस्टिंग करी, फिर इन्होंने मैंने इनका वो ढक्कन जो होता है ना वो भी नहीं लगाया, तो इन्होंने ना बहुत ही ज़बरदस्त नेस्टिंग करी थी। तो अभी इन्होंने एग भी दे दिए थे, फिर मैंने ना पहले मैंने इन्हें घर में रखा हुआ था, फिर मैंने उठा के ना यहाँ शिफ्ट कर दिया। मम्मा ने बोला था घर में नहीं रखो तो मैं यहाँ पे ले आया अंडों के समेत। तो अभी मैं ना ये देखें, मैं गेट बंद करना भूल गया, अभी उड़ जाता है। ये गेट बंद कर लिया करें पहले आप लोग भी। तो अभी ये फिर मैंने इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इन्होंने अभी माशाल्लाह से देखें बच्चे भी निकाल दिए हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी एक हमारा बेंगलाइज का पेयर भी बहुत सेट हो गया है और हमारी यहाँ जावा भी, देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी जावाज है, यहाँ पे एक पेयर ये रहा,
एक प्लेयर ये रहा और ये बच्चे हैं आपको जो मैंने दिखाए थे माशाल्लाह से। एक बच्चे की हमारी टांग ख़राब हो गई है, बहुत ही दुख हुआ है मेरे को, अभी तक उसकी टांग ही ख़राब है जिसकी वजह से वो एक टांग पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें दोस्तों, वो कोने पे आप बच्चा देखें, वो कोने वाला सबसे बिल्कुल कोने पे है, वो सबसे पीछे है, उसकी आप देखें एक टांग नहीं है। तो बेचारा एक टांग पे किस तरह बैठता होगा समझ से बाहर है, देखें एक टांग पे ही बैठा हुआ है। और ये देखें, ये हमारी वाइट मारी यहाँ से झाँक के देखने लग गई है, ये भी अंडों पर बैठी हुई है माशाल्लाह से, और मेल ऊपर बैठा हुआ है इसका, तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो ये भी इन्हें बैठने देते हैं। तो ये हमारी जवाब से पेड़ थे, और ये हमारे यहाँ पर सारे केज खाली कर दिए हैं, तो इधर हम डफ लगाने का सोच रहे हैं। तो ये थी हमारी बंगलाइज फिंचेस, और ये हमारी कॉलोनी, और ये जावा थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे वीडियो, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करा करें, तो इससे मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलती है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।